दिन के उजाले में आसमान का सीना चीरती बंदूक की गोलियों की आवाज और फायरिंग के दौरान लगते जिंदाबाद के नारे। तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां विक्रांत भदौरिया के जन्मदिन पर सरेआम हर्ष फायरिंग की गई। विक्रांत भैया के जन्मदिन की खुशी से लबरेज युवा कार्यकर्ता कोर्ट द्वारा बनाए गए कानून को ताक पर रख देखिए किस तरह से फायर कर युवा जोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। और विक्रांत भैया फायरिंग और जिंदाबाद के नारों की आवाज सुन प्रफुल्लित हो रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी राइफल लेकर आता है और हवा में फायर करता है और विक्रांत भैया के जन्मदिन पर उनके प्रति अपनी खुशी जाहिर करता है और बताने की कोशिश करता है कि भैया के जन्मदिन पर सबसे ज्यादा खुश वही है। इसी होड़ में एक और कार्यकर्ता अपनी राइफल लेकर आता है, वो भी फायर करता है लेकिन अचानक बंदूक में कुछ खराबी आ जाती है और फायर नहीं हो पाता। तभी वीडियो बना रहा एक युवक बंदूक चलाने वालों को बंदूक की नली ऊपर करने की सलाह देता है। अरे भाई साहब, इस दौरान एक और फायर होता है। कार्यकर्ता युवा मोर्चा और विक्रांत भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं क्योंकि टेबल पर रखा केक कटने का इंतजार कर रहा था। कौन है वो शख्स जिसके जन्मदिन को इस तरह हर्ष फायरिंग कर हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है? पीले रंग का कुर्ता पहने और माथे पर चंदन लगाए ये है विक्रांत भदौरिया, जो भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी है। लेकिन केक काटने से पहले प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी का माला पहनाकर सम्मान किया जाता है। इस दौरान माला पहनाकर सम्मान करने और फोटो खिंचवाने की युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में होड़ सी लग जाती है, जिसके बाद विक्रांत भदौरिया का केक काटा जाता है और जन्मदिन मनाया जाता है। माला पहनाकर सम्मान करना गलत नहीं, ना ही केक काटकर जन्मदिन मनाना गलत है, लेकिन जिस तरह से जन्मदिन के मौके पर कानून को ताक पर रखा गया है वो कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, जब हर्ष फायरिंग के दौरान कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी का जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग करना कहां तक जायज है, जिसका फैसला आपको करना है।